जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैंने फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ मेरा अपना YouTube चैनल रॉस फिटनेस क्लब में, जहाँ पर होती है रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ और नई नई टेक्निक। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताऊँगा ABC एक्सरसाइज के बारे में। ABC एक्सरसाइज के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों के और रिक्वायरमेंट थी कि और ज़्यादा एक्सरसाइज ABC एक्सरसाइज में दिखा जाए या ABC एक्सरसाइज का और एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इसलिए आज और एक वीडियो ABC एक्सरसाइज के बारे में बना रहा हूँ जो आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो एबीसी एक्सरसाइज के बारे में। एबीसी एक्सरसाइज आपको वीकली 2 दिन करना है, और एक बात ध्यान रखना, आप एबीसी एक्सरसाइज करने से पहले आपको फुल्ली वार्म अप हो लेना है, और एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करके फिर आपका वर्कआउट ख़त्म करना। इसके साथ आपको और एक बात के ध्यान रखना जरूरी है कि आपका कोई अगर इवेंट है, मान लो कि आप कोई रैली के लिए जा रहा है, तो रैली के 15 दिन पहले आप एबीसी एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दें। अब ये आपको जो वर्कआउट का रूटीन में है उसमें शामिल ना करें, जो आपका डेली रूटीन है उसी को चलते रहे, एबीसी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एबीसी एक्सरसाइज करने से आपका शरीर में जोर पड़ता है, आपका पैर में जोर पड़ता है। तो अगर आप एबीसी एक्सरसाइज करके अगर आपका पैर में दर्द शुरू हो जाता है या बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, तो आपका रैली में परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश करना कि 2 या 3 वीक पहले आपका एबीसी एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दें। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, फिर जल्दी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।